जैसा कि देख सकते हैं ट्रेन भी आ चुका है यहाँ, और ये देखिए हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित झारखंडी और हमारे यूट्यूब चैनल एस के एम ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी मौसम बहुत ही सुहाना है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो फिलहाल कहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि मैं अभी दो चार वीडियो जो कि डाल रहा हूँ, और फिलहाल अभी मैं क्या करने वाला हूँ वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि हर वीडियो में देखते हैं मेरे साथ रहता है ऋषभ, अभी कुछ दिनों से आप लोग लगातार देख रहे होंगे। तो भाई का घर आए हैं जो कि इनका गांव है और पटना में वो समस्तीपुर बिहार। तो ये कुछ व्यू है इधर का, ये देख सकते हैं इनका छत पर है, और ये देखिए इधर जो कि चारा है ना, ये जो गाय को खिलाता है। बिहार में तो आप लोग जानते हैं बिहार का क्या सीन रहता है। तो इस तरह का इधर कुछ व्यू है आप लोगों में पीछे से, ये देखिए इधर कुछ सीन है इस तरह का। सो फ्रेंड्स आज मतलब इनका जो गांव है काफ़ी नामी गांव है बोल सकते हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसे व्यक्ति या तो प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में या तो फेमस व्यक्ति के बारे में जो बताने वाले हैं भाई, जो कि शायद 3 बार CM भी रह चुके हैं। तो उन्हीं का गांव है, मतलब उन्हीं का गांव में इनका घर है। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर से आप लोग जानते होंगे, उन्हीं का ये गाँव है कर्पूरी ग्राम, उन्हीं के नाम से उनका गाँव का नाम रखा गया है कर्पूरी ग्राम। बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये लालू यादव हो गए या नीतीश कुमार हो गए, ये सब के वे बॉस थे, जैसे कह सकते हैं गुरु। हाँ। तो वो गुरु थे उनके। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी वीडियो के माध्यम से वही दिखाएंगे क्योंकि भाई का घर आए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को ये भी दिखाना जरूरी है कि बिहार से कौन कौन मेरे फैंस लोग हैं और बिहार में और क्या क्या देखने को कुछ अलग मिलता है झारखंड के अलावा, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, भाई के साथ जाएंगे। उनका जो कि CM जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय और फेमस बोल सकते हैं अपने टाइम में थे और अभी भी है, जिनका एक बार नाम बन जाता है वो हमेशा के लिए फेमस रहते हैं। तो उनका घर भी दिखाएंगे आप लोग को और ब्लॉग में दिखाएंगे सारा गांव इनका गांव का। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। चलते फिर फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग अब रेडी हो चुके हैं गांव पूरा जाने के लिए, और भाई देखिए पीछे से अभी बाइक अपना निकाल रहा है। पीछे जो देख सकते हैं भाई का, ये देखिए फार्म हाउस है, यहाँ भी गाड़ी वाड़ी रखा जाता है, और वो जो कि अभी और भी घर बनने वाला है भाई का मेन कहीं रोड साइड में ना। और ये उनका ऋषभ भाई का पापा का बिजनेस है गिट्टी वाला, ये देख सकते हैं। तो चलिए आप ब्लॉग पर कंटिन्यू करें। जैसे कि देख सकते हैं भाई आ गया पीछे में, हम लोग ट्रिपल लोड हो गए हैं, और ये गांव का बोर्ड है कर्पूरी ग्राम, और यहाँ से भी कैसे आप लोग को बताना। और एक बड़ा सा ये देखिए व्हाइट कलर स्मृति भवन ही है, देखिए ये देखिए बना हुआ है। अच्छा, सो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये जो घर है ये सरकार के द्वारा बनाया गया है, और स्मृति भवन है देखने के लिए आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पे कर्पूरी ठाकुर जी का मरैया, समझते हैं ना मरई। अच्छा। फूस का घर था यहीं पे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी उनका फूस का ही घर था यहाँ पे। अच्छा। उनके मरणोपरांत ये घर बनाया गया है। सो फ्रेंड्स ये कुछ है उनका जो कि काम, और इधर भी देख सकते हैं इनके घर के पास ही सादा जीवन, बहुत ही सादा जीवन, और मतलब सादा जीवन उच्च विचार उनका था, और जिसके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा अगर लोकप्रिय है, मतलब इस एरिया में उनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमारे एरिया में कोई हमारे कोई अच्छा समाज सेवी या तो अच्छे व्यक्ति है तो उनका नाम जिस तरह होता है उस तरह इस गांव में पूरा, और गांव भी काफ़ी अच्छा इनका विकास है गांव में, क्योंकि बिहार का आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात के दिनों में कीचड़ ये सब सारे चीज़, गाँव भी देखे किस तरह से रिफ्रेश, मतलब सड़क के सारे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अंदर में प्रतिमा भी है, तो मैं चलिए आप लोग को वो भी दिखाता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी। चलिए चलते हैं फिर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं उनका ये है स्टेचू बना हुआ है यहाँ पर, और उनके साथ देख सकते हैं कौन थे आपके वो कर्पूरी ठाकुर दादाजी। तो क्या यहाँ पर लोग अभी आते हैं किस तरह का, जो कि भी यहाँ मतलब घूम के ज़्यादा जाते हैं उस तरह का ब्लॉग? इनका जन्मदिन मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अच्छा, तो उस टाइम कुछ प्रोग्राम भी ऐसा कुछ होता है? अच्छा प्रोग्राम होता है, CM हर बार आते हैं, CM आते हैं ना। आपके दादाजी थे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमृतराज। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना इनका घर में मतलब प्रोग्राम वैसा होता है तो बहुत कोई आते हैं इनके पास, जैसे यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री CM जो वर्तमान में वो भी आते हैं उन प्रोग्राम में, मतलब भाग लेते हैं, है ना। तो काफ़ी भाई भी होता है जयंती समारोह में, अगर बाजान से अगर कभी आए तो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अब इनके बेटे का घर हाई स्कूल को सब दिखा दिया जाएगा। अच्छा, गांव में मतलब जो कि आप लोग को बताएं गांव किस तरह यहां पर विकास है, तो सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। काश ये हमारा क्षेत्र में भी इस तरह का कोई
आदमी काम करते और ऐसा कुछ होता तो हमें भी मज़ा आता। तो चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, गाँव बहुत ही अच्छा है भाई का। और चलिए अब आगे चलते हैं, उनका जो कि उनका आवास है, उनका यहाँ पर रहते हैं, जो को वर्तमान में भी संसद है ना, तो उनके यहाँ जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर के पास जा रहा है। ये सामने से ये कुछ है उनका घर, ये रहा, ये कुछ भी हुआ है। गांव का बैंक, गांव का SBI है बैंक, यहाँ बैंक भी है, मतलब समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस गांव है। विकास के मामले में आसपास में तो बेस्ट होगा ये। हाँ, इधर से। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर, देख सकते हैं कर्पूरी ग्राम, यहाँ एक बोर्ड भी लगेगा और स्टेशन भी इन्हीं इसी के नाम पर है ना, कर्पूरी ग्राम के नाम से। मतलब इतना ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे कि उनके नाम पर स्टेशन है, गांव है, सारा चीज़, स्कूल कॉलेज सब, मतलब जो भी आप लोग को दिखा रहे हैं सब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ही था। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतना अच्छा खासा नाम कमाए हुए हैं, तो उनके याद में लोगों ने इस तरह करके रखा है कि गांव का भी नाम दिया गया, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम। तो काफ़ी मतलब ये गांव विकास वाला गांव लग रहा है। और आप लोग कमेंट्स करके बताना कि बिहार में ऐसे भी कोई ऐसे गांव हैं का जो इस तरह का नाम मतलब रखा गया हो, वो भी 1-2 किलोमीटर के दायरे में भी ऐसा। सो ये देखिए कुछ स्टेशन का व्यू है, जैसा कि देख सकते हैं ट्रेन भी आ चुका है यहाँ। और ये देखिए जैसे कि एंट्री कर चुके हैं, ये देख सकते हैं पहले आप लोग का ये गेट मिल रहा है, जो कि पहले स्वास्थ्य केंद्र मिल रहा है, जो कि कर्पूरी ठाकुर के पापा और मम्मी के नाम पर है, बना हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं उनके माता पिता के नाम पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्पूरी ग्राम। और आगे देखिए ये कुछ भी है, जो कि अभी थोड़ा सा बारिश हो गया जिसके कारण से पानी है यहाँ पर, वहाँ बीच में हेलीपैड बना हुआ है। अच्छा, बीच में जैसे कि ऋषभ भाई बता रहे कि हेलीपैड बना हुआ, वो तो आप लोग को दिखेगा नहीं, जब आता है तो अच्छी तरह से वो नज़र आ जाता है, क्योंकि पानी में भी दिक्कत होगा। और यहाँ पर देखिए प्रभावती राम दुलार उच्च विद्यालय, जो कि नाम है उनका माता पिता का कर्पूरी ठाकुर। यार ये प्रतिमा जो कि देख रहे हैं यही है, फिर यहाँ भी लगा गया जन नायक कर्पूरी ठाकुर। सो कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू है। आगे चलते हैं कॉलेज, सो हम लोग कॉलेज की ओर जा रहे हैं। गोकुल कौन है कर्पूरी? गोकुल उनके पापा। अच्छा, उनके पापा ओहो, मतलब पूरा फैमिली। सो ये इंटर देख सकते हैं, इंटर खंड लिखा हुआ है। और ये कुछ कॉलेज का भी है, ग्रेजुएशन तक का यहाँ पढ़ाई होता है, यहाँ ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई होता है, जैसे कि ऋषभ भाई बता रहे हैं ग्रेजुएशन पीजी। सो आप लोग ग्रेजुएशन और पीजी कौन कौन कर रहे हैं वो भी कमेंट्स करके बताना। यहाँ पर कुछ यहाँ का जो कि कर्पूरी ठाकुर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस और लोकप्रिय आदमी थे, उनके नाम पर ही ये सारा चीज़ बना हुआ है, उनका गांव के नाम पर स्टेशन है, उनका मतलब पूरा फुल फैमिली के नाम पर, मतलब उन्होंने ऐसा काम किया। और ज़्यादा उससे क्या जानकारी लेंगे, ये ऋषभ भाई से जानते हैं। और एक भाई है, भाई का सबसे पहले मैं परिचय नहीं दे पाए, भाई भी आए सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, अमन भाई आ जाओ भाई अभी। तो यहाँ तक का सफ़र हम लोग का अब एंडिंग होने वाला है, तो कुछ बता दो अपने ये वो जो कि लोकप्रिय देखिए रहा है कर्पूरी ठाकुर जी, इतना अच्छा काम किए, जननायक उनका नाम ही है, जन के नायक हैं वो। अच्छा, जन का नायक मतलब समझ रहे, बहुत बड़ा उपाधि उनको मिला है, उनके नाम से ट्रेन भी चलता है, जन एक्सप्रेस, शायद आप लोग कभी चढ़े होंगे उस ट्रेन पे। ये देखिए बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, क्या वो कहते थे, क्या कुछ उनका कहना था बिहार के लिए, वो सारा सुन लीजिए। यह बिहार भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि, महात्मा गांधी की कर्म भूमि तथा जय प्रकाश की आह्वान भूमि रहा है। यह बिहार जनता के हित में प्रगति भूमि तथा परिवर्तन भूमि बनेगा कर्पूरी ठाकुर, ऐसा उनका कहना था। 24 जनवरी 1924 में उनका जन्म हुआ था, 17 फरवरी 1988 में उनका मृत्यु हो गया। सो काफ़ी फेमस या तो लोकप्रिय, आप लोग कमेंट्स करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जननायक जो कि कहा जाते हैं, बोल सकते हैं उनको, यहाँ के लोग भी उनको, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को गर्व फील हो रहा होगा इस गाँव में जो भी रहते होंगे। तो मुझे भी आके काफ़ी अच्छा लगा कि हमको लग रहा है कि शायद बिहार में ऐसे गांव होंगे जो कि इतना सारे हर चीज़ मतलब एक ही व्यक्ति के नाम पर है। इस गांव में ऐसा कुछ देखने को मिला कि सब कुछ इन्हीं के नाम पर है। सो चलिए ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा, उम्मीद करूँगा ये वीडियो ब्लॉग गांव का ये छोटा सा बोल सकते छोटा सा क्या, गाँव तो बहुत बड़ा है, नाम भी बहुत बड़ा है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना कैसा लगा ये वीडियो, तब तक के लिए बाय कर दो भाई सभी को, बाय बाय फ्रेंड्स, जय जय।